आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स की, जो आपके फर्स्ट चैप्टर में रिव्यू ऑफ पाइथन में आपका स्ट्रिंग्स करके चैप्टर। तो एक स्ट्रिंग्स करके एक हेडिंग है चैप्टर वन में, स्ट्रिंग्स जो होते हैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को आप स्ट्रिंग्स कहते हो। और पाइथन में सिंगल कोट्स और डबल कोट दोनों में ही स्ट्रिंग को लिखा जा सकता है। अगर आप आईडियरी को देखें, आईडियरी में देखें, यहाँ पर देखें, तो अगर आपने एक वर्ब लिया और इसमें अगर आप हेलो पाइथन देखे और टाइप, ये भी स्ट्रिंग है हेलो पाइथन। ये भी इनवैलिड नहीं है, ये भी एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को आप क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के फॉर्म में आप इसको रिकॉग्नाइज करते हो। और इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें रिवर्स ऑफ ऑर्डर, पहला कैरेक्टर जीरो पे माना जाता है, दूसरा वन पे, तीसरा टू पे, फोर्थ थ्री पे, फिफ्थ फोर्थ इंडेक्स पे माना जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये स्नैप है एक साइट का, इसमें गीक फॉर गीक्स करके स्ट्रिंग दी है। तो इसमें देखिए रिवर्स इंडेक्स और फॉरवर्ड इंडेक्स दोनों दिया है। तो फॉरवर्ड इंडेक्स जी जो है जीरो पे है, फिर वन है, टू है, और रिवर्स इंडेक्स मतलब लास्ट, रिवर्स इंडेक्स अगर लेके चलेंगे तो लास्ट वाला जो कैरेक्टर है वो आपका माइनस वन पे माना जाएगा, माइनस टू, माइनस थ्री, एंड सो ऑन, है ना। तो आपके क्लास ट्वेल्थ के सीबीएसई करिकुलम में आपका स्ट्रिंग ऑपरेशंस की बात की गई है, तो इसमें कई तरह के जो स्ट्रिंग ऑपरेशन है, पहला ऑपरेशन कॉन्कैटिनेशन, पहला क्या है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन के लिए यहाँ पर प्लस ऑपरेटर का यूज होता है। अगर आपकी दो स्ट्रिंग है, यहाँ पर आप देखें, अगर आपने आईडीएलवी ओपन किया और यहाँ पर तो स्ट्रिंग आपने लिखी, जैसे आपने एक वस्तु रामेश्वरम रखा और बी वस्तु आपने एकेडमी है, ऐसे तो आप ए प्लस बी को अगर आप करोगे तो दोनों कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी, मतलब दोनों मर्ज हो जाएंगी। तो ये जो आपका स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, अगर आप यहां पर रखते हो एक ए में इंटीजर रखते हो और द वैल्यू ऑफ ए आप ए करते हो, तो ये एरर आ जाएगी, क्योंकि ये जो है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर हमेशा स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए होता है। उसके लेफ्ट साइड वाला पोर्शन भी स्ट्रिंग होना चाहिए और राइट साइड वाला पोर्शन भी स्ट्रिंग होना चाहिए, अगर कोई इंटीजर है ना, तो फिर ये क्या कहते हैं, ये आपका एरर दे देगा, सिर्फ स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए आपका कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर होगा। फिर दूसरा ऑपरेटर होता है आपका रेप्लिकेशन ऑपरेटर, इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत जानते हो। और रेप्लिकेशन ऑपरेटर इसको आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आपने रामेश्वरम लिखा और ए इंटू थ्री किया तो थ्री टाइम्स जो है रामेश्वरम रेप्लिकेट हो जाए। ठीक है, तो ए इंटू टेन किया तो टेन टाइम्स आपका रामेश्वरम रेप्लिकेट हो जाए। तो इसलिए ये रेप्लिकेशन ऑपरेटर है, इजी है, आप लोग जानते हो। अगर किसी कैरेक्टर को किसी स्ट्रिंग में खोजना हो तो फिर आपने आपको इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। देखो अगर थर्ड है आप इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर, आपने ए इन आप राघवेंद्र करते हो तो राघवेंद्र स्ट्रिंग में आप ए को खोज रहे हैं, तो ए कैरेक्टर को अगर आप
और राघवेंद्र में खोज है तो ये देखो ट्रू देगा, ठीक है। लेकिन एक्स कैरेक्टर को अगर आप राघवेंद्र में खोज रहे हैं, एक्स कैरेक्टर है ये आपको फॉल्स देगा। ये बताता है कि ये जो गिवन कैरेक्टर लेफ्ट साइड में है तो राइट वाली स्ट्रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। ऐसे ही जस्ट इसका उल्टा होता है, नॉट इन, ए नॉट इन, एक स्टेटमेंट लिखते हैं नॉट इन और यहां पर राघवेंद्र लिखते हैं तो ये बताएगा कि यस ए नॉट इन राघवेंद्र। तो यहां पर ए राघवेंद्र में है तो ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स होगा। तो एक्स नॉट इन राघवेंद्र, तो यहां से नील कोट लगाना जरूरी है, अदरवाइज इसको एक वेरिएबल कंसीडर कर देगा, ठीक है। तो ये आपके तीन ऑपरेटर हमने देखे। और अब क्या है थर्ड ऑपरेटर जो होता है, दैट इज अ रेंज ऑपरेटर। क्या है रेंज ऑपरेटर? रेंज ऑपरेटर, रेंज ऑपरेटर पर एक स्पेसिफाइड रेंज से स्पेसिफाइड रेंज तक की वैल्यू को प्रिंट करता है। तो इसको कोलन सेपरेटेड व्यू में आप देख सकते हो, आपने यहां पर देखा, आपने ए में अगर मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे एक स्ट्रिंग दिया और ए को आपने इसमें से आपने प्रिंट कराया रेंज ऑपरेटर के जरिए, जीरो इंडेक्स से लेकर है ना फोर इंडेक्स। तो बॉटम रेंज है जीरो, टॉप रेंज है फोर, तो जीरो वन टू थ्री फोर, लास्ट वाले को फोर्थ पे जो रहेगा उसको जीरो वन टू थ्री है ना, मतलब कि ए से डी तक प्रिंट होगा है ना, फोर्थ वाले को ये छोड़ेगा है ना, ठीक है। तो जीरो वन टू थ्री आप ऐसे कर लो, जीरो से फोर कर, ठीक है। इसमें एक थर्ड रेंज भी होती है जीरो ये वन वन का जंप लेकर प्रिंट कर रहा है। अगर आप ए जीरो फोर कॉमन टू कर दो तो ए और सी मतलब बी को छोड़ेगा सी है ना, और अगर आप जीरो कोलन 26 कोलन टू करोगे तो ये देखिए ए बी सी फिर डी को छोड़ा फिर ई है ना, तो एक एक कैरेक्टर छोड़ रहा है दो। अगर ये स्टेप्स इसको थर्ड जो आर्गुमेंट होता है इसको स्टेप कहते हैं, उतने स्टेप का एग्जांपल लेता है ना। जैसे ए बी सी डी था तो ए दो जब आपने लिखा ए बी है ना, दो पर ये एक कैरेक्टर का जंप ले रहा है, सी को प्रिंट कर रहा है ना, और फिर क्या है डी को स्किप कर रहा है, ई को प्रिंट कर रहा है, ऐसे ऐसे करके ये पूरा प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड आर्गुमेंट भी होता है ये स्टेप के तरीके से, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, चार चीजें हुई, ये आपकी रेंज। इसमें क्या है कि आप समझ सकते हो कि स्टार्ट एंड और स्टेप रेंज ऑपरेटर में क्या होता है, आप दो ये स्टार्ट एंड और स्टेप ये तीन तरीके से ये आपका चलता है। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है आपका ये आपका स्लाइसिंग, दैट इज द स्लाइसिंग। स्लाइसिंग की अगर स्ट्रिंग स्लाइसिंग की अगर हम लोग बात करें तो स्लाइसिंग में हम स्ट्रिंग किसी स्लाइस करना मतलब स्ट्रिंग को काट लेना है ना बीच में से कहीं से, इसको आपको स्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। तो स्लाइसिंग के लिए क्या है कि आप वही रेंज ऑपरेटर का ही यूज करते हो। अगर मान लीजिए आप जानते हो कि ए में आपका ए से जेड, अब इसमें क्या है सेकेंड इंडेक्स है ना जीरो वन एंड टू मतलब जीरो वन टू सी से एच तक, अगर हमें सी से एच तक की स्ट्रिंग चाहिए है ना, तो हमने वन टू जीरो वन टू सी का जो इंडेक्स है जीरो है, एच का कितना है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स
सेवन मतलब एट इंडेक्स तक का हमें है ना टॉप इंडेक्स एट देना पड़ेगा और सी से एस तक की चीजें आ जाएंगी। तो ये इसके स्लाइसिंग कहते हैं। तो ये भी एक इजी टॉपिक है, इसमें भी कुछ खास हो रही है, बस इसमें क्या है कि आपको ध्यान रखना है, इजी है ना, इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रख के करना है, बस इसमें थोड़ा सा जो दिमाग लगता है वो इन रेंज ऑपरेटर और स्लाइसिंग में थोड़ा बहुत दिमाग लगता है, बाकी सब स्टार्ट मतलब स्टार्ट इंडेक्स, एंड मतलब एंड इंडेक्स जो दिया है उससे जस्ट पहले, जैसे फोर दिया है तो थ्री तक जाएगा, है ना, फाइव दिया है तो फोर तक जाएगा, स्टेप मतलब कितने स्टेप का जंप, है ना, अगर टू है तो मतलब कि वन स्टेप, थ्री है तो टू स्टेप का जंप, है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप बात करते हैं इसमें। अब आते हैं कुछ स्ट्रिंज फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, स्ट्रिंज मेथड्स के बारे में, स्ट्रिंज मेथड्स के बारे में हम बात करते हैं, है ना। तो स्ट्रिंज मेथड्स की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रिंज मेथड्स में सबसे पहले है इज अल्फा मेथड के बारे में हम लोग बात। इज अल्फा मेथड एक ऐसा मेथड है जो बताता है कि आपकी गिवन स्ट्रिंज में कोई भी न्यूमेरिक नहीं या नॉन अल्फाबेटिक कोई भी कैरेक्टर नहीं है। जैसे हमने इसके लिए क्या करते हैं, एक्स में एक स्ट्रिंग देते हैं जैसे राघवेंद्र, वाई में भी एक स्ट्रिंग देते हैं राघवेंद्र फोर, तो एक्स डॉट इज अल्फा करेंगे तो इसमें सारी चीजें जो है वो अल्फाबेटिक है, एक्स स्ट्रिंग में, एक्स में राघवेंद्र है, वाई में राघवेंद्र फोर, तो ये ट्रू देगा, लेकिन वाई में राघवेंद्र फोर है मतलब एक एक जो है न्यूमेरिक वैल्यू भी दी है, तो यहाँ पे y डॉट इज अल्फा करेंगे तो ये आपका फॉल्स है, ठीक है। ऐसे अगर तीसरी स्ट्रिंग दे रहे हैं एट द रेट राघवेंद्र, इसमें स्पेशल कैरेक्टर है तो इसको भी अगर देखें इज अल्फा तो ये भी फॉल्स है, मतलब कि अगर कोई भी नॉन अल्फाबेटिक कैरेक्टर अगर आपके स्ट्रिंग में है तो ये फॉल्स देगा, अदरवाइज सारे अल्फाबेटिक कैरेक्टर हैं तो ये आपका ट्रू देगा। तो ये इज अल्फा एक फंक्शन है, इसको फंक्शन और मेथड में सबसे बड़ी बात है, फंक्शन इसको हम मेथड बोलेंगे क्योंकि ये डॉट लगा के जो कॉल किया जाए दैट इज द मेथड, जो डायरेक्टली कॉल किया जाए दैट इज नोन एज फंक्शन। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको देखना है। अब क्या है, अगर आप किसी स्ट्रिंग में मान लीजिए ऐसे ही 1 2 3 4 5 सारी वैल्यूज न्यूमेरिक, तो और इसमें एक दूसरी स्ट्रिंग देते हैं 1 2 3 4 8 है ना, एक फंक्शन है इज डिजिट डिजिट इज डिजिट इस डिजिट फंक्शन की बात यह है कि ये बताता है कि जैसे अल्फा इज अल्फा बताता है कि सारे कैरेक्टर अल्फाबेट हैं और इस डिजिट बताता है सारे जो कैरेक्टर हैं किसी स्ट्रिंग में सब के सब न्यूमेरिक हैं, सब के सब किसी कोई ना कोई डिजिट है, जैसे ए डॉट इज डिजिट तो इसने ट्रू बताया, लेकिन बी डॉट इज डिजिट ये फॉल्स बताएगा क्योंकि लास्ट में देखो B में A लिखा है वो अल्फाबेट, तो ये दो चीजें होंगी। अब ये दो फंक्शन है इस डिजिट ऑफ इस अल्फा, अब थर्ड वन है लोअर। लोअर फंक्शन क्या करता है कि जितने भी कैप्स में होते हैं आपके स्ट्रिंग में सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। अगर मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग लिया str और लिखा ऑनेस्टी is the best policy, ठीक है, तो यहां पर आपने ऐसे लिखा और यहां पर str dot lower किया, तो जितने भी अपर में है सबको ये लोअर में करो। अगर आप देखें लोअर में कर रहे हैं, ये जो चीज हुई ये भी, और अब हम एक स्ट्रिंग लेते हैं और एक स्ट्रिंग दूसरी लेते हैं जिसमें
इज लोअर फंक्शन की हम लोग बात करने वाले हैं। इज लोअर बताता है कि आप स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर अपर लोअर में है या नहीं। अगर देखिए राघवेंद्र में सिर्फ आर कैपिटल में है, बाकी सब लोअर है, तो ए डॉट इज लोअर करेंगे तो ये फॉल्स है। तो यहाँ पे देखिए फॉल्स। लेकिन अगर बी स्ट्रिंग में देखें, बी में सारे कैपिटल, तो बी डॉट इज लोअर करेंगे ट्रू। सॉरी, तो बी में भी सारे कैरेक्टर जो है वो कैपिटल है, तो बी में हम सारे कैरेक्टर लोअर कैप्स में दे देते हैं। अब करें बी डॉट इज लोअर और यहां पे ये ट्रू दे देगा। ठीक है, तो ये चेक करता है कि अगर अगर किसी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर लोअर केस में हैं तो ये ट्रू देता है, अदरवाइज है ना ये फॉल्स है। ऐसे ही आपका अपर और इज अपर, जैसे लोअर है इसका ही काउंटर पार्ट एक फंक्शन है आपका, मेथड है आपका अपर, और ऐसे ही इज लोअर का काउंटर पार्ट है इज अपर। अब आते हैं हम लोग एल स्ट्रिप फंक्शन के बारे में। इसके दो वेरिएंट है, एक में एल स्ट्रिप और एल स्ट्रिप कैच। तो ये दो फंक्शन है, हम एक ही जैसे ओवरलोडेड फंक्शन कहते हैं, है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या खास बात है, क्या खास बात नहीं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप यहां पर देखें, पहले लोअर स्ट्रिप फंक्शन के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग बनाई और उसमें देखिए मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूं, उसमें एक दो तीन, ये थ्री स्पेसेस आपको दे रहा हूं पहले, ठीक है। और यहां पर लिख रहा हूं पांडे, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब मैंने अगर और str1 में लिखा, मैंने ra दिए दिया ऐसे, राघवेंद्र ऐसे लिखा और यहां पर r ऐसे। अब मैं str1 को कॉन्कैटिनेट करा रहा हूं पांडे राघवेंद्र करके, सॉरी str वन और str को कॉन्कैटिनेट करा रहा हूं, तो फिर आपका राघवेंद्र और थ्री स्पेस के साथ पांडे आ रहा। लेकिन अगर मैं str राघवेंद्र तो एज इट इज रखता हूं, लेकिन फिर मैं क्या कर रहा हूं l स्ट्रिप और यहां पर str1 में एज इट इज रख रहा हूं और यहां पर l स्ट्रिप str कर रहा हूं, तो क्या होगा कि पांडे के लेफ्ट में जितने भी स्पेसेस हैं वो सबको क्या करेगा, ट्रंकेट कर देगा, सबको ट्रंकेट कर देगा। और फिर जो हमारा ये जो स्पेसेस जो हैं ये आपका ये किस तरह से आ जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ str1 सॉरी l स्ट्रिप, मैंने यूज गलत कर दिया क्योंकि ये एक मेथड था, दैट्स व्हाई str1 प्लस है ना str प्लस डॉट l स्ट्रिंग मेथड को हमेशा डॉट लगा के कॉल करते हैं। अब ये आपका ये सही है, ये अब देखें राघवेंद्र पांडे, क्यों पांडे के जस्ट पहले जितने भी स्पेसेस थे ये l स्ट्रिंग फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड में जितने भी स्पेसेस हैं सबको वो ट्रंकेट काट देता है या ट्रंकेट कर देता है। आप इस तरह से आप समझे है ना, ये लेफ्ट साइड में जितने भी फंक्शंस हैं जितने भी स्पेसेस हैं एल स्ट्रिप फंक्शन क्या कट कर देता है। तो अब जैसा मैंने अभी इसको मैं फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे पहले क्या था कि आपका एस टी आर में मैंने ऐसे तीन स्पेसेस के साथ पांडे लिखा था, जब मैं प्रिंट हो कर रहा हूँ एस टी आर को तो देखो ये इतने स्पेसेस के साथ आ रहा है,
तीन स्पेसेस के साथ आ रहा है, लेकिन अगर मैं str.l स्ट्रिप कर दूं तो फिर आप देखिए ये थ्री स्पेसेस जो हैं वो आपके ट्रंकेट कर गए, और ये इस तरह से ये सिंपली ऐसे बता दिया जाता है। यही नहीं, इसका दूसरा पार्ट जो है वो कुछ जिस तरह से काम में आता है वो हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कोई आपने यहाँ पर आपने एक स्ट्रिंग ले ली और यहाँ पर ए ए ए ए बी सी, ठीक है, इस तरह से। अब आपने एस टी आर प्रिंट कराया तो जितने फोर टाइम्स ए बी सी आ रहा। अगर आपने एस टी आर डॉट एल स्ट्रिप किया और यहाँ पर ए लिख दिया तो जितने भी लेफ्ट साइड में ए हैं वो सब के सब ट्रंकेट हो जाएंगे और ये आपको बी सी है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि क्या कहते हैं कि अगर आप किसी कैरेक्टर को स्पेसिफाई करते हो तो उस कैरेक्टर के हिसाब से ट्रंकेशन हो जाता है स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड पे वर्क करता है, इसीलिए इसका नाम आर स्ट्रिप है। इसी का काउंटर पार्ट आपका है ना आर स्ट्रिप फंक्शन है, और ये आर स्ट्रिप क्या है, ये इसमें क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा इसमें आपको टाइम लेके आपको इसको देखना पड़ेगा। तो ये कुछ फंक्शन जो है मैंने आपको बताया। अब अगले वीडियो में हम बाकी के फंक्शन को कवर अप करेंगे और स्ट्रिंग जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। ये दो फंक्शन, ये सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको रिवाइज कीजिएगा। अगर कोई भी पार्ट ना समझ में आया तो आप इसको फिर से आप हमें अपने व्हाट्सएप पे लिखेंगे तो हम इसका फिर क्या कहते हैं इसके आंसर हम देंगे लाइव कनेक्ट।